नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हम लोग इस वक्त जूम वीडियो कॉल के थ्रू जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आदेश पुरी। आदेश पुरी, आपको हमारी आवाज आ रही होगी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। बिल्कुल, हम लोग न्यूज पीआर के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कल से यानी मंगलवार से पप्पू यादव के साथ जो भी हो रहा है, देर रात उनके लिए अदालत खुलवा करके फाइनली मधेपुरा के वीरपुर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। पप्पू यादव जो लगातार जनसेवा कर रहे थे, जनता के लिए सड़कों पर थे, अस्पतालों में जाकर के सबकी मदद कर रहे थे, आखिर उनसे ऐसी क्या दिक्कत हो गई और कौन कौन से ऐसे लोग जिन्हें इनसे इतनी परेशानी हो गई जिस वजह से पप्पू यादव को कल पटना से रात तक प्रक्रिया करते हुए जेल में डाल ही दिया गया। यह सबसे बड़ा सवाल सबके बीच उठने लगा कि आखिर पप्पू यादव की इतनी बड़ी गलती क्या थी कि 32 साल पुराने केस को भी खोलना पड़ा और उन्हें जो है वीरपुर जेल में जाकर के रखना पड़ गया। क्या समाज के लिए वो इतना बड़ा खतरा हो रहे थे क्या? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर चर्चा इसलिए और लाजमी है क्योंकि आज उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है नीतीश जी के नाम एक मैसेज कि प्रिया नीतीश जी, हमारे पति जो है वो कोरोना निगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो इस साजिश में शामिल चार लोगों एवं एम्बुलेंस चोरों को मैं सीएम आवास से खींच करके बीच चौराहे पर खड़ी नहीं कर दी तो मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं। उन्होंने यह मैसेज दिया है और इसी मैसेज में एक बात छुपी हुई है कि वह चार लोग कौन कौन से हैं। तो हमने इसकी पड़ताल की और फिर इसके कारण जानने के लिए हमने आपस में चर्चाएं भी की। हमारे साथ आदेश पुरी जुड़े हुए हैं, हम लोग इस पर ही चर्चा करेंगे। तो चार नाम आए, वो सूत्रों के मुताबिक जो चार नाम आए हैं जिन पे आरोप लग रहे हैं तो चौंकाने वाले नाम है। अगर उनके नाम है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, वह भी चर्चा होगी, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आदेश जी, सबसे पहला नाम जो मुख्यमंत्री का आ रहा है कि नीतीश कुमार भी इसके पीछे शामिल है, या आरोप में कितना दम लगता है, ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है क्या कहेंगे? देखिए सर, पप्पू यादव का जैसा गिरफ्तारी कल हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुख्यमंत्री इससे अनजान रहे या फिर उनको पता ना हो और वो बिना उनके इशारों के ऐसा हुआ हो, क्योंकि पप्पू यादव बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री से उनके अच्छे संबंध भी हैं जो व्यक्तिगत होते हैं। लेकिन जो अभी बिहार में कोरोना को लेकर जैसी स्थिति बनी हुई है और खासकर पटना में, और जो पप्पू यादव थे वो पीएमसीएच एनएमसीएच और जो सरकार जो एक दावे कर रही थी जो मीटिंग में और जो कागजों पर दावा हो रहा था कि बिहार में सब कुछ अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं की गई है, कोई अफरा तफरी नहीं है, लेकिन पप्पू यादव जो है इसको खोल के सामने ला रहे थे। और सबसे बड़ी बात, एक मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का मुखिया होता है, जब प्रॉब्लम आए तो मुख्यमंत्री को फ्रंट पे आना पड़ता है, लेकिन नीतीश बाबू पटना की सड़कों पर निकलते हैं और सीएम का गाड़ी जब जाता है तो आपको पता ही है कि इस तरह भी सड़कें बंद कर दी जाती है, तो किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, कोविड केयर सेंटर में नहीं जाते हैं, ये नहीं देखने का कोशिश करते हैं कि आम लोग सिलेंडर के लिए, फिर से रेमडेसिविर के लिए या बेड के लिए, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो अभी लूटने का जो आरोप लग रहा है, जो लोग कह रहे हैं लूटने का जो खेल चल रहा है, उसको लेकर कुछ नहीं बोलते हैं नीतीश कुमार। लेकिन एक पप्पू यादव एकमात्र नेता है जो कि बिहार में कहें तो 15-20 दिनों से पूरे न्यूज का सुर्खी बना हुआ है, पूरा जो न्यूज है, चाहे न्यूज पोर्टल हो, टीवी चैनल हो या फिर सोशल मीडिया हो, पप्पू यादव छाए हुए थे उसपे। और देखिए वो जो है, चाहे पीएमसीएच में जाए, चाहे एनएमसीएच में जाए, चाहे कहीं भी जाए, जहां भी और कुछ भी कर रहे हैं तो वो पोल खुल रहा है बिहार सरकार का, और बिहार में 15 साल से शासन की सरकार है, और स्वास्थ्य जो है बुनियादी अंग होता है किसी भी राज्य के व्यवस्था का, और स्वास्थ्य में ही जब इतना बड़ा बड़ा चूक निकल के आएगा कि कैसे जो है हॉस्पिटल से लेकर दाह संस्कार तक जो है वो एक रैकेट काम कर रहा है जो कि इस आफत में पैसे निकालने का काम कर रहा है, तो ले देकर ये कहीं भी राज्य में कुछ भी होता है तो कहावत है ना, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। तो पप्पू यादव जितना घूम रहे थे समझिए वो सारा नीतीश कुमार के खिलाफ ही जा रहा था,
तो सीएम नीतीश पर ये आरोप की अव्यवस्था जो है उनके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे, तो शायद यह इनके मन में खटक रहा है कि 15 वर्षों से अधिक हम शासन कर चुके हैं और बिहार में ये हालात है। अगर पप्पू यादव लगातार इसको खोलते रहे, यह पटकथा जो है वो लिखी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी भागीदारी के जो आरोप लग रहे हैं वह गलत नहीं है। हम दूसरा नाम हम आदेश की चर्चा कर रहे थे, जो जानकारी मिली वह भी है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जिनके खिलाफ इतनी मुहिम चलाई जा रही है कि वो इस्तीफा दे दें, मंगल पांडे का, मंगल पांडे का लगातार नाम आता है, पिछले लॉकडाउन में भी उनपे आरोप लगे, इस बार भी। यह भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को जेल भिजवाने में, पुराना केस खुलवाने में मंगल पांडे भी भागीदार है, यह आरोप लगा है। कितना दम लगता है? देखिए दम तो पूरा लगता है, क्योंकि जो भी ये मामला खुल रहा है तो स्वास्थ्य संबंधित है। कोरोना में तो असलियत खुल के सबकी आ गई है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो। बता दूं मैं आपको रंजीत सर कि स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे है उन पर प्रश्न उठना लाजमी है। पिछले साल भी कोरोना का इतना समय हो गया लेकिन उन्होंने एक बार भी विजिट नहीं किया था हॉस्पिटलों में, और जबकि हॉस्पिटल में तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे और लेकिन वैसा कुछ नहीं रहता था वहां पर। जब पत्रकार पहुंचते थे या लोग जो क्वारंटाइन होते थे या उस पर जाते, वैसा कुछ नहीं था। वैसा ही हालत इस बार भी है। मंगल पांडे जो है वो तैयारी नहीं कर पाए थे या पटना कोई सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, जैसी अपना तफरी 15-20 दिन बनी रही, और यूं कहें तो अभी तक भी नहीं हैंडल कर पाए। आप सोचिए कि पप्पू यादव उन पर खुलकर आरोप भी लगाते रहे पिछले लॉकडाउन में भी, इस बार भी बोल रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री से बिहार नहीं संभल रहा है। हाँ, ये कह रहे थे सब बार-बार। ऐसी बातें हैं क्योंकि कितनी बार जो है मंगल पांडे की मजबूरी भी सामने आ गई है। पिछले बार तो वो अपने स्वास्थ्य सचिव से ही परेशान थे, उसको लेकर उन्होंने शिकायत भी की थी सीएम के पास, और यही कारण है कि उनको बदला गया। और लेकिन इस बार जो हम बात करें तो इस बार जो उनका, देखिए सर स्वास्थ्य मंत्री हैं तो कम से कम राजधानी में भी व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए थी, क्योंकि राजधानी में खुद रहते हैं, राजधानी में आपका सारा व्यवस्था है, राजधानी में आपका सारा मशीनरी है। लेकिन अगर कोई पप्पू यादव हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो सीधे वो टारगेट उनका होता था मंगल पांडे, एक स्वास्थ्य मंत्री से कई गुना ज्यादा। एक पप्पू यादव जो है वो बिहार के हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, मंगल पांडे किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ये नहीं जांच किए कि आखिर वहां पर लोग अपने को 100 जो है अपनों का वो क्यों नहीं ले जा रहे हैं। वो एक बार भी ये नहीं जाकर देखे कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ खुलेआम लोग बोल रहे हैं कि वहां पैसा लूटने का खेल चल रहा है, कोई भीतर देखने वाला नहीं है। मीन्स कहा जाए तो एक जो स्वास्थ्य मंत्री का रोल होना चाहिए इस समय में, वैसा उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जाता है कि मंगल पांडे इस्तीफा दे। आप लगातार जो है मंगल पांडे के खिलाफ जो है वो लोग प्रश्न उठाते हैं कि आखिर क्यों, जो पीएमसीएच है बिहार का सबसे, तो मंगल पांडे से जो इस्तीफा मांगा जा रहा है उसमें क्या मंगल पांडे को यह लगने लगा कि पप्पू यादव द्वारा लगातार किए जा रहे खुलासे का ही एक यह रूप है कि हमारे ऊपर दबाव बन रहा है, हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, इस वजह से उन्हें पटना से ही बाहर कर दें ताकि कोई आवाज ही नहीं उठाए पटना में व्यवस्था को लेकर के, और मंगल पांडे सुरक्षित रहे, क्या लगता है? हाँ एकदम सही बात है, क्योंकि देखिए उनको गिरफ्तार ही अगर करना था तो उनको पैंडेमिक एक्ट है या फिर अमनौर छपड़ा वाला जो मारपीट है उसमें गिरफ्तार किया जाता, लेकिन उनको किया जाता है 89 का केस निकाला जाता है, 32 साल पुराना उनका केस, क्योंकि मधुपुरा उनको भेजना था, मधुपुरा है पटना से दूरी भी है, वहां पर है मीडिया का झुकाव कम है, वहां से वो जितना चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या सब कुछ जितना आसानी से नहीं पहुंचा सकते हैं, या फिर पटना में रहते, अगर पटना कहीं जेल में रहते तो हो सकता था कि वो विपक्ष के साथ मिलकर सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स बना सकते थे। अगर नहीं भी निकलते वो, अगर मानिए उनसे भेंट करने के लिए ही कोई जाता, पटना में रहना, राजधानी में रहना अपने आप में एक शक्ति का परिचायक है वो, लेकिन आपको भेज दिया गया पूर्णिया कि अब मधेपुरा भेज दिया गया आपको। मीन्स सरकार का ये भी उद्देश्य था कि पटना में जो पोल खोल रहे थे वो पोल खोल बंद हो जाए, क्योंकि पटना में अगर रहेंगे तो ज्यादा दवा होगा, इनका बिल हो भी जाता तुरंत, या अगर पटना में इनको रखना होता तो फिर पेंडेमिक एक्ट ये सब एक लगता नहीं इनपे, क्योंकि हाईकोर्ट जो कर चुका है कि पेंडेमिक एक्ट तो अवेलेबल है पहली बात, और दूसरा बात है कि दूसरे मामले में जो पटना में इन पर रोड जाम करने चाहे धरना प्रदर्शन का जो केस है उस पर भी सुनवाई होता नहीं इनका, तो वो सब केस अभी हो नहीं पाता, इनको बेल देना पड़ता, इसलिए 32 साल पुराना मामला
तोला गया ताकि इनको पटना से दूर किया जाए, क्योंकि पप्पू यादव जिस दिन भी निकलते थे वो समझिए स्वास्थ्य मंत्री और सीएम उनका ही पोल खुलता था बिहार में, क्योंकि वो हॉस्पिटल। ये दो नाम पे तो हमने चर्चा कर ली, दो नाम और है, तीसरा नाम जो है थोड़ा चौंकाने वाला है, जो ये आरोप लगे हैं प्रशासनिक अफसर पे भी यह आरोप लग रहा है। अभी हाल ही में आज ही के दिन उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, आईएएस प्रत्यय अमृत पर भी आरोप लगा है, वो भी स्वास्थ्य महकमा में प्रधान सचिव हैं, तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी जो थी, और ये आरोप लगा है कि प्रत्यय अमृत भी पप्पू यादव को जेल भिजवाना चाह रहे थे, वो भी साजिश में शामिल है, सीएम आवास में वो भी बैठे हुए हैं जिन्हें रंजीत रंजन बाहर खींच करके चौराहे पे खड़ा करना चाहती। क्या पुरानी खुन्नस का कोई मामला नजर आता है क्या, प्रत्यय अमृत के साथ कोई खुन्नस हो, कुछ कहानी याद आ रही है आपको? देखिए जो रुपेश सिंह हत्याकांड हुआ था उसमें पीसी किया था पप्पू यादव ने, और हाँ। प्रत्यय अमृत को ऊर्जा विभाग सचिव, जो ऊर्जा सचिव भी हैं, उस समय हाँ। के विदेश यात्राओं को लेकर प्रश्न खड़ा किया था, और बहुत ही वो एक तरह से एक ब्यूरोक्रेट मुद्दा था, हाँ बहुत विवादास्पद, बहुत बड़ा ये एक तरह से धब्बा होता है, वैसे प्रश्न खड़ा किए थे। अलग बात है कि ये मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन अगर बनता तो प्रत्यय अमृत पर गाज गिर सकती थी, तो गुस्सा तो स्वाभाविक है। अब ये उनके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जो आरोप लगाए गए पप्पू यादव के द्वारा, लेकिन वो तो गुस्सा स्वाभाविक था। दूसरी बड़ी बात ये, चलिए पुरानी बातें हैं, वो रहता है कि जब होता है दिमाग में कि पहले से खटास है लेकिन बड़ा मौका मिला तो आप उस पर अपना मौका निकाल लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा था देखिए आप स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव सभी और सीएम, ये तीनों एक अभी आधार स्तंभ है, एक वरीयता है बिहार में, तो जब स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खुल रहा है तो इन तीनों लोगों का तो नाम आना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्यय अमृत जो है चहेते आईएएस हैं इनके, नीतीश कुमार के, जो भी जिम्मेवारी होती है पिछले साल ही देखिए आप चुनाव कराना काफी करीबी है, प्रत्यय अमृत को दिया गया प्रभार, और वो लगातार 20-25 हजार टेस्ट से 2.5 लाख टेस्ट कर दिए एक हफ्ता में, और ये उन्होंने साबित कर दिया कि बिहार इलेक्शन होने लायक सिचुएशन है यहाँ पर, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से और अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन इस बार जो है एक तो गलती ये भी है कि एकाएक इतना तेज में संक्रमण आ गया कि कोई तैयार नहीं था, सरकार छोड़िए लोग भी नहीं तैयार थे इसको लेकर, होली के समय तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि आगे आने वाला 10 दिन ऐसा भारी पड़ने वाला है 10 दिनों के बाद से, तो सरकार भी नहीं तैयार थी। और सबसे बड़ी बात सर, पटना में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, अगर हम देखें दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा जो अफरा तफरी मची वो पटना में ही मची। तो देखिए सीएम तो क्वेश्चन पूछते हैं हेल्थ मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर जो भी पूछना होता है या करना होता है वो हेल्थ सेक्रेटरी ही है, तो ऐसा नहीं है कि भले हम लोग गाली देने के लिए भले या आरोप लगाने के लिए बोल दे मंत्री या कोई भी, लेकिन अंततः उसको एग्जीक्यूट कराने का अधिकार तो सचिव के ही हाथ में रहता है, वही सारा कलेक्टर के हाथ में होता है। हाँ, तो ये तो प्रश्न उनसे पूछा जाता होगा, जब पप्पू यादव जब ये भेद खोलते होंगे तो सीएम तो पूछते होंगे उनसे कि आखिर आप बोलते हैं, आपने कागजों पर दिखाया कि ये सब चीज है, ये व्यवस्था यहाँ कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है वो सिलेंडर के बिना मर रहे हैं, इतना ज्यादा एम्बुलेंस का भाड़ा लिया जा रहा है, रेमडेसिविर का जो है वो ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने का अधिकार तो इन्हीं पे है। तो पप्पू यादव जो है अनावश्यक रूप से इनके लिए और प्रॉब्लम बन रहे होंगे, इनके जो भेद खोल खोल के जो रियलिटी बता रहे थे और कागजों में जो कुछ दिखता है, तो ये प्रेशर तो बढ़ ही रहा होगा और ये प्रेशर इनको परेशान करता होगा। बिल्कुल, तो आज इसमें चौथे नाम को भी हम शामिल कर ही लेते हैं, जब हम लोग तीन नाम की चर्चा कर लिए, मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार का नाम आ गया, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आ गया, स्वास्थ्य सचिव जो अभी एसीएस बन गए प्रत्यय अमृत का नाम आ ही गया, अब चौथा नाम जिसको सब कोई जान रहे हैं कि असली जो है खेल वहीं से शुरू हुआ है, तो जो सारण सांसद है राजीव प्रताप रूडी, जिनके एम्बुलेंस को लेकर के खुलासा कर दिया गया, उनके विजुअल्स भी दिखाए गए कि वो बालू ढो रहे हैं एम्बुलेंस में और कुछ एम्बुलेंस घर पे छुपा रखे हैं, यह खुलासा करना इतना भारी हो गया कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक ने भी आज लाइव आकर के अपने पापा के अकाउंट से यही कहा कि लोगों की मदद करना और एम्बुलेंस का खुलासा करना ही मेरे पापा का जुर्म बन गया। तो क्या राजीव रूडी जो है इन्होंने जो इस जो किए हैं, जो भी स्टेप उठाए हैं, जो कदम उठाए हैं, क्या उसमें मौका मिल गया बाकी लोगों को, सभी लोगों की, सब अपना अपना हाथ धो ले और पप्पू यादव को एक साथ सब मिलकर के वो केस खुलवा करके भेज दें?
देखिए सर, कहा जाता है ना कि ये चारों अभी ऐसा सिचुएशन पप्पू यादव बना दिया कि चारों एक ही नाव में सवार हो गए। देखिए अगर हम छपरा की बात करें तो बहुत बड़ा आरोप है ये कि पूरा देश जो है और आपका पूरा राज्य एम्बुलेंस के लिए, आपने कभी नहीं सुना होगा एम्बुलेंस कितना भाड़ा कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने पर 10,000 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, 50,000 रुपया सिक्योरिटी देना पड़ रहा है, और छपरा आपका वहां पर लगातार 500, 600, 700 केस आ रहा है वहां पे हॉस्पिटल ले जाना। कितने लोग जो है एम्बुलेंस के भाड़ा के कारण और न मिलने के कारण अपने घर में दम तोड़ दिए, और ऐसी परिस्थिति में आप 30 एम्बुलेंस को ढक के रखे हुए हैं। ये तो वही बात हुआ कि युद्ध के समय में आप अपने सिपाही को बंदूक नहीं दे रहे हैं, गोली छुपा कर रख दिए हो कि नहीं, जिसने खुला था क्या उसके ऊपर आपने मारपीट का केस दर्ज करवा। देखिए ये आरोप तो रूढ़ी पर बहुत बड़ा लग गया, धब्बा लग गया, ये कितना भी इसका जवाब दे वो इससे अब नहीं उबर पाएंगे। जितने लोग अभी धरती पे हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा महामारी नहीं खेला जिसने पूरी दुनिया का चपेट में ले लिया हो, और वैसी परिस्थिति में आप 30 एम्बुलेंस, बहाना कोई भी दे, और वो भी बहाना जो दिया कि ड्राइवर नहीं है, वो भी खोल के रख दिया इन्होंने, असलियत कहा था ना कि एकदम पोस्टमार्टम करके रख दिया कि आपने क्या क्या बहाना बनाया उसका भी असलियत देख लीजिए। 2016 में आप कौशल विकास मंत्री थे और आपने उद्घाटन किया है वाहन प्रशिक्षण के लिए, 5 साल हो गए और आप एम्बुलेंस 70 चलाने के लिए भी ड्राइवर नहीं खोज पाए, तो फिर किसके लिए प्रशिक्षण दे रहे थे। इसके साथ ही साथ आदेश जी, साथ ही साथ यह भी सवाल उठता है, अगर एक सांसद के एम्बुलेंस का खुलासा हो गया, अगर इनके पास 80 एम्बुलेंस था तो मान लीजिए अन्य जो 39 सांसद हैं सबके पास यह सुविधा होगी, तो इन लोगों के भी ऊपर सवाल उठ सकते थे, तो क्या कई और लोगों को शामिल कर सकते हैं जो लोग खुश हो रहे होंगे पप्पू यादव के जेल चले जाने से। हो सकता था कि पप्पू यादव और भी कहीं खुलासे करते, क्योंकि बहुत सारे फंड जो है वो सांसद के द्वारा जो है वो पीएचसी लेवल पर, अनुमंडल अस्पताल के लेवल पर, सदर हॉस्पिटल में बहुत सारे चीज दिए जाते हैं, कोई ऐसा है कि एम्बुलेंस नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट दिया जाता है, बेड दिया जाता है, तो कितना जो है वो कागजों पे ही रहता है, एम्बुलेंस को हम चलते फिरते देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बेड की ही बात की है। आप और मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में होता कि 25 बेड है और वहां पर दिखाया जाता है कि सांसद महोदय हर एक साल यहाँ पर 20-20 बेड जो है गिफ्ट कर रहे हैं अपने फंड से, अब 25 बेड है वहां पर, तो ये बहुत तरह की संभावनाएं हैं, बहुत सारे के चीज हैं। हो सकता था कि पप्पू यादव उस दिशा में जा रहा हो जिससे बहुत लोगों का भेद खुल सकता था और अपने सामने आ सकता था। और आपको बता दूं कि रंजीत रंजन का जो आरोप है राजीव प्रताप रूडी पे, राजीव प्रताप रूडी के कैरियर पर बहुत बड़ा धब्बा लगा है, और खुद बीजेपी के वोटर जो है, बीजेपी के नेता जो है, भले वो सामने ना बोले लेकिन इतना तो जरूर मान रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है अपने इस कार्रवाई से। बिल्कुल हो सकता है उनको, तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि पप्पू यादव को जेल भेजा जाना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के निर्णय पर सवाल को खड़ा ही करता है, साथ ही साथ पप्पू यादव जो भी कदम उठा रहे थे अब इस पे एक मनसा जो है लोगों की, सबके मन में सवाल भी उठने लगा है, अब मदद कौन करेगा? पप्पू यादव जो है वो जेल चले गए, अब आम लोगों की मदद कौन करेगा? क्योंकि ना कोई नेता दिखता है सड़क पर, ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखते हैं किसी भीड़ में, किसी अस्पताल में इस तरह से वो तो कभी नहीं दिखते हैं। तो जब बिहार का मुखिया खुद सड़क पर नहीं था और एक जनसेवक बनकर के पप्पू यादव सड़कों पर निकला हुआ था, लोगों की मदद कर रहा था, तो ऐसे व्यक्ति को जेल में अंदर डाल देना, तो रंजीत रंजन जो साजिश की बात कर रहे हैं उसमें से कहीं भी कोई शक नहीं कहा जाए कि साजिश नहीं है, पूरी की पूरी तरीके से साजिश ही नजर आती है।